गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. इन लास्ट लेक्चर वी प्रिपेयर्ड द सिंपल ऑइंटमेंट. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 55, टू प्रिपेयर एंड सबमिट सल्फर ऑइंटमेंट बीपी. सो सल्फर इज एन इनसोल्युबल सॉलिड. सल्फर क्या है? इनसोल्युबल इन सॉलिड है. देन इनकॉर्पोरेटेड बाय ट्राइचुरेशन मेथड इन अ सिंपल ऑइंटमेंट. और ये क्या करता है? ट्राइचुरेशन, वो इनसोल्युबल सॉलिड है इसलिए वो ट्राइचुरेशन मेथड करके इनसोल्युबल ऑइंटमेंट इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है. देन नाउ वी डिस्कस द फार्मूला ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सो प्रेसिपिटेड सल्फर फाइनली सिफ्टेड 100 ग्राम, देन सिंपल ऑइंटमेंट 900 ग्राम, देन सेंडर 20 ग्राम. अपने को बनाना है 20 ग्राम बनाना है ऑइंटमेंट. देन सो ये क्या हुई हमारी 100 ग्राम एंड 900 ग्राम, ये हो गई हमारी क्वांटिटी गिवन. ठीक है, ये क्वांटिटी गिवन हुई, पर क्वांटिटी टेकन हमें निकालना है. तो क्वांटिटी टेकन करने के लिए क्या करेंगे हम? फर्स्टली डिटरमाइन द फैक्टर. फैक्टर फार्मूला इज क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन. क्वांटिटी रिक्वायर्ड यानी जो हमें क्वांटिटी चाहिए, 30 ग्राम बनाना है आपको, 20 ग्राम बनाना है या 50 ग्राम बनाना है, वो हम लेंगे क्वांटिटी रिक्वायर्ड. देन क्वांटिटी गिवन, क्वांटिटी गिवन यानी जो फार्मूले में क्वांटिटी दी है वो लेंगे हम क्वांटिटी गिवन. सो वी कैलकुलेट द फैक्टर. देन जो हमारा फैक्टर निकलेगा वो मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वांटिटी गिवन से. देन हमारा जो वैल्यू आएगी वो हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन. देन फॉर एग्जांपल 0.02 इज हमारा अबाउट फैक्टर आ गया, तो ये हम क्या करेंगे 100 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगी. जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो गई हमारी क्वांटिटी गिवन ऑफ सल्फर की. देन वैसे हम 0.02 फैक्टर इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 900 ग्राम से, तो जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो हो गई हमारी सिंपल ऑइंटमेंट की वैल्यू. देन नाउ वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सिंपल ऑइंटमेंट प्रिपेयर्ड इन अ प्रीवियस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था? सिंपल ऑइंटमेंट हमने प्रिपेयर किया था, वही सिंपल ऑइंटमेंट हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज करने वाले. ठीक है, वे सल्फर आफ्टर सिफ्टिंग 180 माइक्रोमीटर सीव. वे सल्फर आफ्टर सिफ्टिंग, सिफ्टिंग यानी क्या? हमें सीविंग करना है 180 माइक्रोमीटर पर, देन उसका वो सल्फर का वे करना है. सिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि सल्फर है इनसोल्युबल सॉलिड है. ठीक है, तो इसलिए हम उसकी सिफ्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, देन प्लेस ऑन अ लार्ज ऑइंटमेंट टाइल, लैविगेट द पाउडर दैट इज मिक्स इन अ पाउडर टू फॉर्म अ स्मूथ पेस्ट. देन क्या करना है हमें? वो जो लार्ज ऑइंटमेंट टाइल पर हमें प्लेस करना है. देन लैविगेट द पाउडर दैट इज द मिक्स द पाउडर टू फॉर्म अ स्मूथ पेस्ट. वो पाउडर हमें बेस में मिक्स करना है टू फॉर्म अ स्मूथ पेस्ट विथ 2 or 3 times इट्स वेट ऑफ बेस. देन ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेटेड मोर बेस अंटिल अ होमोजीनियस. देन हमें स्मॉल अमाउंट में ग्रेजुएटली इनकॉर्पोरेट करना है, ग्रेजुएटली हमें बेस ऐड करना है टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. देन ट्रांसफर टू अ सुटेबल कंटेनर, कॉर्क इट, अटैच प्रिपेयर लेबल एंड सबमिट. फाइनली हमें क्या करना है? सुटेबल कंटेनर में उसे ट्रांसफर करना है, कॉर्क करना है, देन लेबल अटैच करना है, देन सबमिट करना है. क्या किया हमने प्रोसीजर में? फर्स्ट डिटरमाइन किया हमने फैक्टर. ठीक है, फैक्टर आपको पता ही है, अब तक हमने बहुत सारे फैक्टर निकाले हैं. फैक्टर डिटरमाइन किया, फिर उसके बाद हमने स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो की. तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है? जो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में सिंपल ऑइंटमेंट बनाया है वही हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे. ठीक है, एज अ बेस
फॉर बेस करके, ठीक है। देन जो हमारा सल्फर है वो पहले सिफ्टिंग करना है 180 माइक्रोमीटर सीव में, सिफ्टिंग यानी छानना है, उसे सीव में से ऐड करना है। देन उसके बाद उसको वेट करना है, देन प्लेस ऑन अ लार्ज ऑइंटमेंट टाइल पर उसे प्लेस करना है, देन उसको ऐसे मिक्स करना है, यानी कि 2 or 3 टाइम्स एज अ वेट ऑफ बेस उसे ऐड करना है, ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेटेड मोर बेस अंटिल द होमोजीनियस और बेस ऐड करना है, अंटिल द वो जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक हमें बेस ऐड करना है। देन उसके बाद फाइनली उसे ट्रांसफ़र करना है इन अ सुटेबल कंटेनर में, कॉर्क इट, अटैच, प्रिपेयर्ड एंड लेबल एंड सबमिट। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 55, दैट इज़ टू प्रिपेयर एंड सबमिट सल्फर ऑइंटमेंट बीपी, ठीक है। नेक्स्ट आपको लेबल बनाना है एंड फाइनली रिजल्ट राइट डाउन, देन क्वेश्चन एंड आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज टू प्रिपेयर एंड सबमिट जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट बीपी। अभी हमने क्या देखा, सल्फर ऑइंटमेंट देखा, अभी हमें क्या करना है, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द फार्मूला फॉर द जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। जिंक ऑक्साइड फाइनली सिफ्टेड 150 ग्राम, ये भी जिंक ऑक्साइड भी हमें सिफ्टिंग करना है उसकी भी, वो हमें लेना है 150 ग्राम। देन सिंपल ऑइंटमेंट लेना है हमें 850 ग्राम, देन हमें बनाना है 20 ग्राम। सो 20 ग्राम के लिए हमें क्या करना चाहिए, 20 ग्राम बनाया है, पर ये किसके लिए फार्मूला दिया है, 1000 ग्राम के लिए ये फार्मूला दिया है। जिंक ऑक्साइड लेना है 150 ग्राम एंड सिंपल ऑइंटमेंट लेना है 850 ग्राम, पर हमें 20 ग्राम बनाना है, तो 20 ग्राम बनाने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए वो हम डिटरमाइन करेंगे बाय द यूज ऑफ फैक्टर। फैक्टर का फार्मूला है क्वांटिटी रिक्वायर्ड देन क्वांटिटी गिवन। सो क्वांटिटी रिक्वायर्ड यानी हमें 20 ग्राम बनाना है, तो 20 होगी हमारी क्वांटिटी रिक्वायर्ड एंड क्वांटिटी गिवन इज 1000 ग्राम इज इक्वल टू, जो कुछ भी फार्मूला आएगा वो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी गिवन से, और जो वैल्यू आएगी वो हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन, और जो वैल्यू आएगी हमारी वो हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन। फॉर एग्जांपल 0.02 हमारा फैक्टर आया, तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 ग्राम से, और जो कुछ भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल 3 ग्राम, 4 ग्राम या 5 ग्राम, तो वो हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन। वैसे ही सिंपल ऑइंटमेंट की भी क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है हमें, फैक्टर जो कुछ भी आएगा 0.02 × 850 ग्राम इज इक्वल्स टू, जो कुछ भी वैल्यू आएगी 17 ग्राम या फिर 18 ग्राम, वो हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन। इतनी हमें क्वांटिटी लेना है जिंक ऑक्साइड की एंड सिंपल ऑइंटमेंट की फॉर अ 20 ग्राम ऑफ ऑइंटमेंट, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर। टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड सिंपल ऑइंटमेंट ऑन एन ऑइंटमेंट टाइल विद द हेल्प ऑफ ऑइंटमेंट स्पैचुला। देखो इसमें क्या करना है, दोनों की भी जो क्वांटिटी है वो वे करनी है। जिंक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल 3 ग्राम लेना है और सिंपल ऑइंटमेंट 17 ग्राम लेना है, ये हमने क्वांटिटी वे कर ली। देन उसके बाद सिंपल ऑइंटमेंट ऑन एन ऑइंटमेंट टाइल, ऑइंटमेंट टाइल पर हमें वो प्लेस करना है, देन विद द हेल्प ऑफ ऑइंटमेंट स्पैचुला, जो सिंपल ऑइंटमेंट है वो हमें डालना है विद द हेल्प ऑफ ऑइंटमेंट स्पैचुला से ऑन अ ऑइंटमेंट टाइल पर। देन उसके बाद टेकिंग ईच टाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ट्राइचुरेट वेल। ईच टाइम में क्या करना है, हमें एक एक टाइम पर छोटे छोटे अमाउंट में जो जिंक ऑक्साइड है वो भी डालना है और स्मॉल अमाउंट में बेस भी ऐड करना है और ट्राइचुरेट करना है। देन उसके बाद ट्रांसफ़र द ऑइंटमेंट टू द वाइड माउथ बॉटल विच इज़ प्रीवियसली वॉर्म।
देन ये जो ऑइंटमेंट है, हमारा ऑइंटमेंट बनकर तैयार हो गया। ये जो ऑइंटमेंट है वो हमें वाइल्ड माउथ बॉटल में ट्रांसफ़र करना है। देन विच इज़ अ प्रीवियसली वॉर्म, जो हमने बॉटल ली है वाइड माउथ बॉटल, वो प्रीवियसली वॉर्म करके हमें वो ऑइंटमेंट उसमें ट्रांसफ़र करना है। देन क्लीन द टॉप साइड, जो उसकी टॉप साइड है वो क्लीन करना है। देन क्लोज द लीड एंड अटैच प्रिपेयर लेबल। देन फाइनली क्या करना है, वो क्लोज करना है लीड का, यानी कि उसका कॉर्क टाइट करना है। देन उसके बाद अटैच करना है हमारा जो हमने प्रिपेयर्ड लेबल बना के रखा है, वो हमें उस पर अटैच करना है। ये होगा हमारा जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। तो क्या हुआ, क्या देखा हमने इसमें, उसकी प्रोसीजर क्या है? फर्स्टली क्या करना है, हमें जिंक ऑक्साइड एंड सिंपल ऑइंटमेंट बेस हमें वे करना है। देन उसके बाद वो हमें लेना है ऑइंटमेंट टाइल पर। देन उसके बाद स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हमें मेडिकामेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस उसमें ऐड करना है। देन ट्राइचुरेट करना है। ट्राइचुरेट के बाद वो ट्रांसफ़र करेंगे हम वाइड माउथ बॉटल में। देन लास्टली क्या करेंगे, क्लीन द टॉप साइड, जो बॉटल की टॉप साइड है वो हम क्लीन करेंगे। देन क्लोज द लीड एंड अटैच प्रिपेयर्ड लेबल। देन फाइनली आपको रिजल्ट राइट डाउन करना है एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 56, दैट इज टू प्रिपेयर एंड सबमिट जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज टू प्रिपेयर एंड सबमिट मिथिल सैलिसिलेट ऑइंटमेंट बीपी। मिथिल सैलिसिलेट ऑइंटमेंट बीपी। मिथिल सैलिसिलेट इज अ वोलेटाइल लिक्विड एंड शुड बी एडेड टू अ बेस एट एज अ लो टेम्परेचर एज अ पॉसिबल। ठीक है, मिथिल सैलिसिलेट क्या है, ये वोलेटाइल लिक्विड है, वो ऐड करना है, ऐड करते हैं बेस में एट अ लो टेम्परेचर एज अ पॉसिबल। मिथिल सैलिसिलेट लिया है हमने, मिथिल सैलिसिलेट ऑइंटमेंट हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मिथिल सैलिसिलेट क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है। ये क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है, वो जब बेस में ऐड करते हैं हम तो वो लो टेम्परेचर पर उसे ऐड करना है। ठीक है, देन नाउ वी डिस्कस द फार्मूला ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फर्स्ट है मिथिल सैलिसिलेट 500 ग्राम, वाइट बीज वैक्स 250 ग्राम, हाइड्रस वूल फैट 250 ग्राम एंड हमको सेंड 20 ग्राम, यानी हमको 20 ग्राम बनाना है। बट ये वैल्यू मिथिल सैलिसिलेट वाइट बीज वैक्स की एंड हाइड्रस वूल फैट की जो ये वैल्यू दी है वो दी है 1000 ग्राम के लिए। ठीक है, तो हमें बनाना है 20 ग्राम के लिए, तो जो क्वांटिटी लगेगी तो वो हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो वो डिटरमाइन करेंगे हम बाय द यूज़ ऑफ फैक्टर। सो द फैक्टर इज इक्वल टू क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। सो द क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी है, हमें 20 ग्राम लेना है, यानी कि 20 ग्राम हमें मिथिल सैलिसिलेट ऑइंटमेंट हमें बनाना है। देन ये जो फार्मूला में जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 1000 के लिए, तो वो क्या होगी हमारी क्वांटिटी गिवन। जो कुछ भी फैक्टर आएगा, फॉर एग्जांपल 0.02 अगर फैक्टर आया तो वो फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी गिवन से। फॉर एग्जांपल 0.02 इनटू 500 ग्राम इक्वल्स टू जो कुछ भी आएगा 10 ग्राम फॉर एग्जांपल, तो ये हो गई हमारी मिथिल सैलिसिलेट की क्वांटिटी टेकन। ये जो 10 ग्राम है वो क्या हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन ऑफ मिथिल सैलिसिलेट। ऐसे ही बाकियों का निकालना है, फॉर एग्जांपल 0.02 इंटू 250 ग्राम इक्वल्स टू 5 ग्राम, तो ये 5 ग्राम क्या हो गया हमारा वाइट बीज वैक्स हो गया। देन वैसे ही हमें हाइड्रस वूल फैट की भी वैल्यू निकालनी है, वो भी 5 ग्राम ही आएगा। तो ये कुछ भी, ये जो हमने फैक्टर से वैल्यू निकाली ये हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। मेल्ट द ग्रेटेड बीज वैक्स एंड हाइड्रस फुल फैट इन इवेपोरेटेड डिश ऑन अ वाटर बाथ। फर्स्टली क्या करना है हमें,
बीजवैक्स एंड हाइड्रस वूल फैट ये हमें मेल्ट करना है, ठीक है। इन इवेपोरेटेड डिश में, जो चाइना डिश आती है, वहाँ पर हमें वो प्लेस करना है इन वाटर बाथ में और वहाँ वो मेल्ट करना है। देन उसके बाद रिमूव फ्रॉम हीट एंड अलाउ इट टू कूल। देन उसके बाद मेल्ट होने हो जाने के बाद उसको कूल होने के लिए रखना है। देन एड मिथिल सैलिसिलेट एंड स्टर टिल इट सॉलिडिफाइज। देन हमने जो क्वांटिटी मेजर की है मिथिल सैलिसिलेट की, वो ऐड करना है एंड कंटिन्यूसली स्टर करना है जब तक वो सॉलिडिफाइड नहीं हो जाता, तब तक हमें स्टर करना है। देन फाइनली ट्रांसफ़र टू अ सुटेबल कंटेनर, कॉर्क इट, अटैच प्रिपेयर्ड लेबल एंड सबमिट। फाइनली क्या करना है, हमें ट्रांसफ़र करना है इन अ सुटेबल कंटेनर में, उसको कॉर्क इट करना है, देन प्रिपेयर्ड लेबल अटैच करना है एंड फाइनली उसे सबमिट करना है। ये हो गया हमारा टू प्रिपेयर एंड सबमिट मिथिल सैलिसिलेट ऑइंटमेंट बीपी। फर्स्टली क्या किया हमने, वो जो व्हाइट बीजवैक्स है ना, हाइड्रस वूल फैट है, उसे हमने मेल्ट किया, उसके बाद उसको कूल डाउन के लिए रख दिया। कूल होने के बाद उसमें ऐड किया मिथिल सैलिसिलेट, देन उसको स्टर किया। कब तक स्टर किया, जब तक वो सॉलिडिफाई नहीं हो जाता। वो सॉलिडिफाई हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, सुटेबल कंटेनर में उसे ट्रांसफ़र किया, कॉर्क इट किया, लेबल किया एंड फाइनली उसे सबमिट किया। देन ये क्या हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 57, दैट इज़ टू प्रिपेयर एंड सबमिट मिथिल सैलिसिलेट ऑइंटमेंट बीपी। देन यूज ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज द काउंटर इरिटेंट एंड फाइनली राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज टू प्रिपेयर एंड सबमिट पैराफिन ऑइंटमेंट बीपी। टू प्रिपेयर एंड सबमिट पैराफिन ऑइंटमेंट आईपी। Then we discuss the formula of this experiment. White beeswax 20 gram, hard paraffin 30 gram, then cetosteril alcohol 50 gram and white soft paraffin 900 gram. ये हो गया हमारा 1000 gram के लिए formula. Now we prepared the 20 gram of this experiment. 20 ग्राम हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी टेकन लेनी पड़ेगी। तो ये क्वांटिटी टेकन कैसे डिटरमाइन करेंगे, विद द यूज़ ऑफ फैक्टर। तो फैक्टर का फार्मूला है क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी हुई, 20 ग्राम हमें क्वांटिटी बनानी है ऑइंटमेंट की। देन ये जो फार्मूला है क्वांटिटी गिवन, कितना फार्मूला, कितने फार्मूला के लिए दिया है, 1000 ग्राम के लिए। सो द क्वांटिटी इज, यानी कि द फैक्टर इज 0.02, फॉर एग्जांपल 0.02 ये हमारा फैक्टर डिटरमाइन हुआ। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है क्वांटिटी गिवन के साथ, और जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 0.02 इंटू 20 ग्राम ऑफ वाइट बीज वैक्स इक्वल्स टू 4 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल 4 ग्राम अगर आया तो 4 ग्राम क्या हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन हो गई वाइट बीज वैक्स की। ऐसे ही हमें बाकी की भी क्वांटिटी टेकन निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल 0.02 इंटू 30 ग्राम ऑफ हार्ट पैराफिन इक्वल्स टू 0.6 ग्राम, ये हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन ऑफ हार्ट पैराफिन। देन नेक्स्ट 0.02 इंटू 50 ग्राम ऑफ सिटोस्टेरिल अल्कोहल, दैट इज द इक्वल्स टू 1 ग्राम। 1 ग्राम क्या हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन ऑफ सिटोस्टेरिल अल्कोहल की, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 0.02 इंटू 900 ग्राम इक्वल्स टू 18 ग्राम। 18 ग्राम हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन फॉर वाइट सॉफ्ट पैराफिन। ये हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन, हमने डिटरमाइन की। नाउ वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट
वे ऑल द इंग्रेडिएंट करेक्टली, जो हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो हमें करेक्टली वे करना है. देन मेल्ट टुगेदर ऑल द इंग्रेडिएंट ओवर अ वाटर बाथ इन अ इवेपोरेटिंग डिश, स्टर अंटिल कोल्ड. देखो हमने क्या किया है, फर्स्टली जो इंग्रेडिएंट है हमारे वो वे किए, वे करने के बाद उसे मेल्ट किया, ऑल द इंग्रेडिएंट मिक्स करके हमने मेल्ट किया ओवर द वाटर बाथ इन इवेपोरेटिंग डिश में उसे मेल्ट किया. देन उसके बाद हमें कूल डाउन करना है. देन ट्रांसफ़र टू वाइड माउथ बॉटल विच इज़ प्रीवियसली वॉश एंड ड्राइड. ये हो गया हमारा ऑइंटमेंट तैयार हो गया. क्या किया हमने, फर्स्टली क्या किया, जो कुछ भी इंग्रेडिएंट है वो हमने वे किए, वे करने के बाद उसे मेल्ट किए, देन इवेपोरेटिंग डिश में उसे मेल्ट किए, देन उसके बाद उसे ट्रांसफ़र किया वाइड माउथ बॉटल में. देन वो जो बॉटल है वाइड माउथ बॉटल वो प्रीवियसली वॉश एंड ड्राइड होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए. देन फाइनली लेबल एंड सबमिट, फाइनली उस पर हमने लेबल अटैच किया एंड सबमिट किया. ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 58, दैट इज़ द टू प्रिपेयर एंड सबमिट पैराफिन ऑइंटमेंट. तो पैराफिन ऑइंटमेंट में हमें क्या किया, वे किया, जो कुछ भी इंग्रेडिएंट है, कौन से इंग्रेडिएंट हैं हमारे, वाइट बीज वैक्स, देन हार्ड पैराफिन, देन सेटोस्टेरिल अल्कोहल एंड वाइट सॉफ्ट पैराफिन. ये हमने वे किया, वे करने के बाद ये चारों को हमने मेल्ट किया इन्हें इवेपोरेटिंग डिश में, देन उसको कूल होने के लिए रख दिया, कूल होने के बाद उसको ट्रांसफ़र किया इन वाइड माउथ बॉटल में एंड फाइनली लेबल किया एंड सबमिट किया. ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 58, दैट इज़ टू प्रिपेयर एंड सबमिट पैराफिन ऑइंटमेंट IP. ठीक है, देन राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. थैंक यू.